हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस इन गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल तीसरी। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 3 द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, है ना। इसमें मैं क्वेश्चन से बताने जा रही हूँ। टिक द करेक्ट फर्स्ट आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन में व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट फिनोमेनी, मीन्स आपका कौन सा रिस्पॉन्सिबल है डे एंड नाइट के लिए। तो मैं आपको बताई थी रिवॉल्यूशन, टिल्ट इन द एक्सिस ऑफ द अर्थ, या रोटेशन ऑफ द अर्थ, या नॉन ऑफ दिस। आपको ये चारों में से एक बताना है, ठीक है। तो कौन सा होगा, तो मैं बताई थी कि जो डे एंड नाइट होता है वो रोटेशन के कारण होता है, ठीक है। मीन्स पृथ्वी जो रोटेशन करती है तो ये होता है, ठीक है। तो आपका ये सी नंबर का करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका व्हील रोटेटिंग द अर्थ मूव्स फ्रॉम, अर्थ कैसे मूव करता है अपने अक्ष पे, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। तो जो अर्थ है वो रोटेट करता है, मैं बताई थी ये एंटी क्लॉक वाइज वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जबकि हमारा जो ये मीन्स घड़ी है वो ईस्ट टू वेस्ट करता है, तो ये हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, पश्चिम से पूरब की ओर। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सीजन्स आर काउज बाय, मौसम का जो परिवर्तन होता है हमारे अर्थ पे वो क्यों होता है, इसका मुख्य काउज क्या है, द टिल्ट इन द एक्सिस, रोटेशन, या द एटमोस्फेयर, या नन ऑफ दिस। तो जो सीजन्स चेंजिंग होता है वो अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण होता है, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है तो ये आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द विंटर सॉल्स्टिस मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ, विंटर सॉल्स्टिस फर्स्ट कहाँ पे आता है, तो विंटर सीजन मीन्स विंटर सीजन प्रवेश करता है ना विंटर सॉल्स्टिस पे, तो ये आपका हो जाएगा विंटर सीजन पे, ठीक है। ये समर सीजन तो हमारा इधर क्या बोलते हो नॉर्थन हेमिस्फीयर तक होता है फर्स्ट में समर सीजन, ठीक है। और ये ऑटम और स्प्रिंग तो हमारे इक्विनॉक्सिस पे घटित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 इक्विनॉक्स इज देयर व्हेन द सन पासिस डायरेक्टली ओवर दम, जो इक्विनॉक्सिस होता है वो सबसे पहले किस पे डायरेक्ट किस पे पड़ता है, सूरज की किरणें। तो मैं बोली थी जब इक्विनॉक्सिस होते हैं विषुव पे, तो जो सूर्य की किरणें होती है वो विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेटर, क्या हो जाएगा इक्वेटर, ठीक है। साउथ पोल नॉर्थ पोल ये सब तो होगा ही नहीं, ठीक है। इक्वेटर विषुव, तो विषुव की घटना जब घटित होती है तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पे। अब नेक्स्ट चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। देखिए आपका यहाँ बॉक्स में गिवन वर्ड भर दिए, रोटेशन, पॉल्स, काउंटर क्लॉक वाइज, नॉर्थ एंड साउथ एंड, ठीक है। अब ये यहाँ वर्ड को देख के यहाँ पे भरना है, ठीक है। फर्स्ट है आपका द अर्थ स्पाइन इन योर डायरेक्शन ब्लैंक सर्विस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो अर्थ स्पाइन करता है वो कैसे करता है, तो मैं बोली थी काउंटर क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। तो ये फर्स्ट आपका यहाँ क्या भराएगा, काउंटर क्लॉक वाइज, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 24 आवर्स आर नीडेड टू कम्प्लीट ईयर, तो जो 24 आवर्स में पृथ्वी क्या करती है, तो रोटेशन करती है, घूर्णन करती है ना अपने अक्ष पर 24 आवर्स में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रोटेशन, क्या हो जाएगा रोटेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आवर अर्थ इज फ्लेटेड एयर, तो अर्थ कहाँ पे फ्लेटेड है, ऊपर नीचे पॉल्स पे ना ध्रुवों पे, तो ये पॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका दिसंबर इज कॉल्ड इन, दिसंबर कहाँ पे, दिसंबर में कहाँ कॉल्ड रहता है, कौन सा हेमिस्फीयर में, नॉर्थ एंड या साउथ एंड, तो आपका साउथ एंड हो जाएगा, है ना, साउथ एंड हेमिस्फीयर पे कॉल्ड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ब्लैंक्स हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस कॉल्ड वेदर इन जून, तो कहाँ पे जून में जो मौसम होता है वो कॉल्ड होता है, तो आपका नहीं सॉरी नॉर्थ एंड हेमिस्फीयर में ना, मीन्स जब इधर साउथर्न हेमिस्फीयर में कॉल्ड रहता है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, गर्मी रहती है ना, तो आपका क्या हो जाएगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट आपका राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये देखना है फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द सन राइजेस इन द वेस्ट, तो ये आपका तो फॉल्स है ना, सन तो ईस्ट में होता है ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अराउंड जून सॉल्स्टिस द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, टुवर्ड द सन, तो ये जून सॉल्स्टिस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑटम सॉल्स्टिस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड है द डायरेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ द अर्थ नेवर चेंज, ये तो अपने अक्ष पर कभी नहीं चेंज होती है, पृथ्वी कभी अपनी दिशा को चेंज करती है क्या, घूर्णन को नहीं ना,
कभी पश्चिम से पूरब घूमते तो कभी पूरब से पश्चिम मूव करते क्या? नहीं, ये तो उसका चेंज हो ही नहीं सकता, तो ये ट्रू ही होगा। द विंटर सॉल्स्टिस मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ विंटर सीजन, ये भी सही है। विंटर सॉल्स्टिस फर्स्ट समय में कहाँ आती है? विंटर सीजन में ही आती है, तो ये भी ट्रू होगा। द स्प्रिंग इक्विनॉक्स ऑकर इन सेप्टेम्बर, वेरी गुड, ये भी ट्रू होगा, है ना, सेप्टेम्बर में ही हो ये एंट्री करती है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। तो ये तीन ट्रू आपका, दो फॉल्स है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मैच द फॉलोइंग पे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी, मैच द कॉलम्स, ये कॉलम्स इधर है, बी कॉलम्स इधर है। फर्स्ट देखते हैं ये कॉलम्स में, रिवॉल्यूशन रोटेशन इक्विनॉक्स से 23.5 डिग्रीज 21 मार्च, और बी कॉलम्स में स्प्रिंग इक्विनॉक्स इक्वल डे नाइट टिल द इंडेक्सिस ऑफ द 24 आवर्स 365 1 बाय 4 डेज, ठीक है। मींस ये कॉलम से बी कॉलम में हमको मैच करना है, जिसके साथ जो मैच करेगा वो मैच करूंगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मीन्स परिक्रमण, तो परिक्रमण किस में आएगा? स्प्रिंग इक्विनॉक्स में इक्वल डे एंड नाइट में टिल इंडेक्स 24 आवर्स या 365, तो इसमें आएगा ना रिवॉल्यूशन मेरा वन का ये हो जाएगा, ठीक है। ये रिवॉल्यूशन जो अर्थ होती है वो इतने दिनों में कंप्लीट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोटेशन, तो रोटेशन कितने दिनों में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स में, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। घूर्णन, पृथ्वी घूर्णन कितने दिनों में करती है? मीन्स एक वन डे में करती है ना 24 आवर्स में, जिसके कारण ही दिन और रात होती है। और रिवॉल्यूशन होता है ये वन ईयर्स लगाती है, जिसमें आपका मौसम चेंजिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इक्विनॉक्सेस, मीन्स इसमें इक्विनॉक्सेस इसमें दो दिया, स्प्रिंग इक्विनॉक्स इक्वल डे एंड नाइट, है ना, ये तो होगा ही नहीं टिल इन द एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो हमारा इक्विनॉक्स का मीनिंग क्या होता है? इक्वल डे एंड नाइट, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो के स्प्रिंग इक्विनॉक्स में नहीं लगा दे कि नहीं यहाँ इक्विनॉक्स है और यहाँ भी इक्विनॉक्स है तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा, बट ये रॉन्ग है। हमारा इक्विनॉक्स का शाब्दिक अर्थ ही होता है इंग्लिश में, मीनिंग ही इसका इक्विनॉक्स का होता है इक्वल डे एंड नाइट, ठीक है। जब मैं आपको इक्विनॉक्स पढ़ा रही थी तो इसका समझाई भी थी मीनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23.5 डिग्रीज, तो ये तो हमारा टिल्ट इन द एक्सिस ऑफ द अर्थ, ये अपने 23.5 डिग्री झुकी हुई पृथ्वी अपने अक्ष पे, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है वो घूर्णन करती है, तो डे एंड नाइट होता है, मौसम चेंजिंग होता है। ये यदि अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है। इसीलिए थोड़ा हमारी पृथ्वी वो झुकी हुई नजर आती है, हम ग्लोब्स पे देखते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 मार्च, तो 21 मार्च को क्या होता है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट कहेगा नहीं 21 मार्च को तो हमारा डे एंड नाइट बराबर होता है, बट नहीं, यदि यहाँ पे 21 मार्च और 22 सितंबर दोनों दिया रहता तो हमारा इक्वल डे एंड नाइट होता, लेकिन यहाँ 21 मार्च है तो 21 मार्च को जो होता है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है और 22 सितंबर को हमारा ऑटम इक्विनॉक्स होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये दोनों क्वेश्चन में इक्विनॉक्स में और 21 मार्च में कंफ्यूज नहीं होना, और ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बताऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।